नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका गुर्जर हूँ। आज देश में चुनाव की स्थिति है और हम राष्ट्रवाद की प्रेरणा के साथ अंत्योदय और जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी मूल भावना के साथ बिना किसी तुष्टिकरण के साफ नियत के साथ जो विकास करवाया उसी के अंतर्गत हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। और राष्ट्र की वाद की प्रेरणा हमारी पार्टी का मूल विश्वास है कि नेशन फर्स्ट, हमारी पार्टी राष्ट्र को प्रथम मानने वाली पार्टी है। और आपने देखा होगा कि यूपीए 2 के शासनकाल में अब हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आपने देखा होगा यूपीए 2 के शासनकाल के समय, हमने वो समय भी देखा है कि हमारे फौजी जो कि शौर्य और पराक्रम से भरपूर हैं वो गन लेकर खड़े रहते थे और पत्थरबाज उन पर पत्थर फेंकते थे। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी और तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही थी। हमारे 56 इंच के सीने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया। आपने देखा 26/11 का जब हमला हुआ था, अगर उसी वक्त आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठा लिए जाते तो आज भारत में आतंकवाद की ये स्थिति नहीं होती। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। और हमारी सरकार आने के बाद फौज को न केवल सुसज्जित किया गया बल्कि उनको पूरा खुला छोड़ा गया कि वो जब चाहे जैसा चाहे आतंकवाद से निपटने के लिए कार्यवाही कर सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और आतंकवाद के जो अड्डे हैं वो नेस्त नाबूद हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार की वजह से ही जो आतंकवादी संगठन है उनकी सारी सुरक्षा हटा दी गई, कई आतंकवादी संगठनों को बैन किया गया है और अब आतंकवाद करीब करीब खात्मे की ओर है। तो राष्ट्रवाद हमारा मूल मंत्र है और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए हम यही बात आम आवाम के बीच में लेकर जा रहे हैं कि राष्ट्रीय समृद्धि के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मोदी जी आज देश की आवश्यकता है। और मोदी जी पहले ऐसे नेता हैं जो विश्व के 10 बड़े नेताओं में जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। भारत की अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के समय नहीं सुधरी थी, आज अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है। और विश्व फ्रेटर्निटी, आपने देखा आतंकवाद का जब हमला हुआ था उसके बाद विश्व जनमत भारत के पक्ष में था, 17 देश भारत के पक्ष में आए। और पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि वो आज कटोरा लेकर घूम रहा है। तो भारत की सुरक्षा और समृद्धि के लिए इसी मूल मंत्र के साथ सबको साथ लेने के साथ आज हम चुनाव के मैदान में उतरे हैं। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 2 धुरी पर टिकी हुई सरकार है और बहुत झूठ का पुलिंदा लेकर, झूठे वादे करके ये सरकार सत्ता में आई थी। इन्होंने किसानों के कर्ज माफ़ी की बात की थी, आज किसान बड़ी उम्मीद से देख रहा है। कभी कहते हैं डिफॉल्टर्स, कभी कोऑपरेटिव बैंक्स, कभी नेशनलाइज्ड बैंक, स्थिति ये है कि किसी का भी कर्जा माफ आज तक नहीं हुआ है। किसान सम्मान निधि जिसमें इनको एक पैसा भी नहीं लगाना था, सिर्फ लिस्ट भेजनी थी, वो भी नहीं भेजी गई। आज राजस्थान के पड़ोसी जो हमारे राज्य हैं वहाँ दूसरी किस्तें पहुँच रही हैं लेकिन राजस्थान का किसान आज भी इंतजार कर रहा है। बेरोजगारी 3,500 इन्होंने भत्ता देने की बात की थी, एक भी बेरोजगार को अभी तक भत्ता नहीं मिला है। 32 लाख बेरोजगार एनलिस्टेड हैं जिनको 1160 करोड़ रुपए देने की राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता है। 72,000 इन्होंने लिस्टिंग की है और भत्ता एक को भी नहीं दिया है। भामाशाह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, स्वाभिमान देने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू की थी जिसमें 30,000 से 3,00,000 तक का इलाज मुफ्त था। आज गरीब जगह जगह भटक रहा है क्योंकि उस योजना को भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आयुष्मान भारत लागू नहीं किया है और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसमें तो जो एक टैगलाइन थानों के बाहर लिखी होती है कि अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास, उसकी जगह ये हो गया है आम जन में भय और अपराधी बड़े विश्वास के साथ बैठे हुए हैं क्योंकि ऐसी सरकार आ गई है जो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करने वाली है। महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, उनके मंगलसूत्र तोड़े जा रहे हैं, चेन स्नैचिंग हर दूसरे दिन की घटना हो रही है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। हमने पॉक्सो एक्ट लागू किया था लेकिन उसकी भी जो लागू होता है वो चालू नहीं हो रहा है। और
बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो काम हो रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की तो स्थिति ये हो गई है कि एटीएम पहले तोड़े जाते थे, आज एटीएम उखाड़ के लिए जा रहे हैं। राजभवन तक में चोरी हो रही है, और दलित मुख्यमंत्री आवास के बाहर जयपुर में मुख्यमंत्री आवास से 100 मीटर दूर दलित को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये सभी कारण हैं। ग्रामीण विकास की हम बात करें तो हमारी सरकार ने हमारे संकल्प पत्र में, आपने देखा और पार्टियों का घोषणा पत्र है, हमारा संकल्प पत्र है, हम संकल्पित हैं उन सभी वादों को पूरा करने के लिए जो हमारे संकल्प पत्र में हमने दिए हैं। विकास की योजना के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 लाख करोड़ का फंड हमारी सरकार ने रखा है, और राजस्थान की हम बात करें तो ये स्थिति हो गई है कि नरेगा का पैसा नहीं पहुँच रहा है, पंचायतों के पास जो फंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पहुंचता है वो नहीं पहुंच, डायरेक्ट जो पहुंचता है वो नहीं पहुंच रहा है। और हमारे समय में हमने जो विकास की योजनाएं चालू की थी, जिनके टेंडर भी हो गए थे, वर्क ऑर्डर भी हो गए थे, वो सारे काम ठप्प पड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा कोई भी पेमेंट उनको नहीं किया जा रहा है। आपने देखा कि अभी अंधड़ बारिश हुई थी, हमारे समय में हमारी मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन विधानसभा स्थगित कर दी थी कि आप क्षेत्र में जाइए और इनका आकलन करके इनको मुआवजा दिलाइए। अभी कांग्रेस के समय पर ये घटनाएं हुई हैं, और एक भी जगह प्रशासन नहीं पहुंचा है, क्योंकि प्रशासन तो आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि इनके जो सरकार है वो पहले तो तबादलों में व्यस्त रही और अब अपना वैभव बचाने में लगी हुई है, इन्हें राजस्थान के वैभव से कोई मतलब नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के अलावा किसानों के, अभी बेणेश्वर धाम में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, मुझे बहुत हंसी आती है कि उनको शायद कोई वास्तविकता भी नहीं बताता है, क्योंकि वो उतना ही बोलते हैं जितना उन्हें कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हमने 2 दिन में कर्जा माफ़ कर दिया, शायद पत्रकार बंधुओं ने उन्हें भी नहीं पूछा कि कर्जा किसका कहाँ माफ़ कर दिया। पूरी तौर पर सरकार तबादलों के बाद चुनाव में अलग अलग अपने अपने बंदों के साथ घूम रही है, और इनका ध्यान ना तो प्रशासन पे है ना शासन पर है, और इसी इन्हीं सारी चीज़ों को हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। जनता आज हमारे साथ है, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि देश का गौरव बढ़ाने वाले और देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए अगर कोई अग्रसर है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और आपके अजमेर की अगर बात की जाए तो वैसे जिलाध्यक्ष जी और अनीता जी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन पानी की समस्या, मैं यहाँ आई तो मुझे यही बताया गया कि पानी की इतनी विकट समस्या है कि हमारे समय में जो हमने काम किए थे वो भी आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिजली की ट्रिपिंग और बिजली की कटौती आम हो गई है, तो आम जनता त्राही माम कर रही है और देख रही है कि किस तरह से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित हो, ताकि समृद्धि आए, खुशहाली आए और सबका साथ सबका विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपकी सरकार थी यहाँ पर अनीता जी, बताइए उस टाइम आपकी सरकार के जो धंधे लोग वो क्यों नहीं कर पाए समस्या का समाधान? देखिए, इसकी वह व्यवस्था थी, अब 4 दिन में पानी आ रहा है, पहले ये समस्या नहीं थी कि 4 दिन में पानी आए, पहले 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी आ रहा था, पर्याप्त प्रेशर से आ रहा था, पर्याप्त समय आ रहा था और पूरा पानी मिल रहा था, लेकिन आज 4 दिन बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। और पानी नहीं मिल रहा वो तो बात अलग है, लेकिन पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, टैंकरों की व्यवस्था, हैंडपम्प की व्यवस्था, हमारी सरकार ने 100 हैंडपम्प प्रत्येक विधानसभा में दिए थे उस समय, लेकिन अभी ये सरकार 4 महीने से आई है और इस सरकार को पहले से पता है कि बीसलपुर में पानी नहीं है, फिर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? बजट पारित हुआ है, लेखानुदान की मांगे पारित हुई है, उसमें प्रोविजन करते कि भाई चुनाव आने वाले हैं, उस समय गर्मी होगी, पानी की व्यवस्था पूर्व में करनी चाहिए, लेकिन बिना, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ तबादले करने थे, सारे इंजीनियर्स को तबादले कर दिए पीएचडी में, किसी को कुछ चीज़ों का पता नहीं है, बजट पास नहीं हुआ, जो कंटीजेंसी फंड आता है हर वर्ष गर्मियों के लिए, वो कंटीजेंसी फंड नहीं आया है अजमेर में, और उस कारण से ना तो हैंडपम्प रिपेयर हो रहे हैं, ना तो रिपेयर हो रहे हैं, ना वैकल्पिक टैंकरों की पानी की व्यवस्था हो पा रही है। और से हो रहा है जो मुझे पता लगा है, 2 बार आप लोगों को भी पता होगा कि 2 बार उनके बाहर प्रदर्शन भी हो चुका है, क्योंकि वो पैसे भी नहीं देते हैं, किराए के बच्चों को उठा लाते हैं और फिर पैसे भी नहीं देते तो किराए की टीम के साथ कैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ सुसंस्कारित अनुशासित टीम है और वहाँ किराए की टीम है। तो
में कोई अब ज्यादा समय नहीं रहा। हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। अजमेर ही नहीं, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि देश को मोदी जी की जरूरत है।